राधा कृष्णा, आज मैं आपको आटे वाले मोमोज बताऊंगी। पहले मैंने ये बैटर बताऊंगी करके क्या क्या लिया मैंने, पत्ता गोभी धो के किसनी में किसी है, पनीर, खीरा, खीरे को किसा है मैंने, पनीर को भी किसा है, बारीक कटा हुआ धनिया, नमक स्वाद अनुसार डाला है मैंने, सबको मिला के मोमोज का बैटर मसाला तैयार कर दिया। अभी मैंने आटे के अंदर मोवन डाल के गेहूँ के आटे का है, ये गेहूँ के आटे से मोमोज बताऊंगी कैसे बनाते हैं। इसमें मैंने आटे में मोवन डाल के आटे को सान लिया। सानने के बाद बैटर तैयार हो गई है। आटा छोटे छोटे से लोई बना दीजिए, इतने छोटे छोटे से लोई बना दीजिए। इसको बेलना है पतला पतला। एक चम्मच डाल दीजिए इसमें। चम्मच के बाद पानी से बाउंड्री पे लगा दीजिए पानी से, ताकि वो खुले रहे। तो फिर इसको हाथों से धीरे 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 से फोल्ड करते रहिए। गेहूं के आटे का है, बहुत फायदा करता है, नुकसान नहीं करता। ये फैला के रख दीजिए। मैंने गंजी ली है, ये गंजी के अंदर मैं छन्नी रखा है, बॉल अंदर पानी हो रहा है, इसके अंदर मैं अपन रखेंगे मोमोज को, गेहूं वाले आटे को। ध्यान से करना, नहीं तो फट जाएगा वो। पानी में रख दीजिए इसको, छन्नी के ऊपर में ढक्कन लगा के 20 मिनट तक रख दीजिए। 20 मिनट तक रखना है, पूरा फिट होना चाहिए ढक्कन, बाहर हवा नहीं जानी चाहिए। मिनट के बाद आपका मोमोज तैयार। बहुत ही टेस्टी बना है, पनीर वाला मोमोज है, एकदम हेल्दी है।